बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रूहानी रहनुमाई और रूहानी इलाज के सिलसिले का प्रोग्राम लेकर आप सब की खिदमत में हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से मेरे तमाम बहन भाई, तमाम बेटे बेटियाँ खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सिंपल सा अमल बताते हैं शिफाए इमराज के लिए। किसी भी किस्म का मर्ज हो तो उसके बहुत ही सादा सा अमल है, लेकिन बहुत मुजरब, बहुत ही पूरा सर अमल है, बारहा दफ़ा का आजमूता है। आपने अगर कोई बंदा बीमार हो, शफा नहीं मिल रही, तो आपने क्या करना है, 111 मरतबा या सलामों पढ़ना है। अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दुरूद पाक और 111 बार या सलामों पढ़ेंगे। तरीकाकार इस तरह करेंगे, 7 बार दुरूद पाक पढ़ें, फिर उसके बाद 111 बार 111 टाइम आप या सलामो या सलामो या सलामो ये पढ़ेंगे, और आखिर में फिर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के मरीज़ के सीने के ऊपर दम कर देंगे। इसके साथ आप 21 मरतबा सूरा फातिहा इस तरह पढ़ेंगे कि पानी अपने सामने रखेंगे, और 3 मरतबा दुरूद पाक, 21 मरतबा सूरा फातिहा पढ़ेंगे, फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के पानी के ऊपर दम कर देंगे, और वो पानी मरीज़ को सुबह भी देंगे थोड़ा सा, और बाद जोहर भी देंगे, इसी तरह थोड़ा सा पानी रात सोने से पहले भी देंगे कि वो मरीज़ को पिलाएंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से आप ये अमल करेंगे जब, तो अल्लाह ताला शफाए कामला अता फरमाएंगे। और मैं ये बहुत ही को महीनों का नहीं कह रहा, बल्कि 13 दिन कर लें, 11 दिन ये अमल कर लें, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत बड़ी शफा रखी है। आप ज़रूर करके देखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला शफा अता फरमाएंगे, कैसा ही मर्ज़ क्यों ना हो। ये बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन बहुत ही पुरअसर अमल है, इसको ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से, हर आफत से महफूज रखें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।